हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और क्योंकि ये जो है सुबह 10:30 बजे के आसपास का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज बहुत टाइम के बाद मैं चीला बना रही हूँ बच्चों के लिए, प्याज का। और ये है एक शिमला मिर्च, वो जो मैंने कस दी थी, इसमें ये जो हमारा इसमें है चॉपर, इसमें मैंने अच्छे से इसको कस लिया था। और अभी जो इसको मिक्स करके इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हल्की सी एक पिंच ऑफ हल्दी, और हल्का सा जो है वो मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैं काट नहीं रही हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च बच्चों के मुंह में आएगी तो खाएंगे नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को अच्छे से रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे घोल कम लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और मैदा ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसमें जो है लंग्स पड़ जाएंगे, गांठे जो होती है ना वो पड़ जाएंगी, इसीलिए अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। हाँ भाई, जो ये बोल रहे थे ना जो हाथों से मिक्स कर रही है, देखो चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, और मेरे पास और भी इंस्ट्रूमेंट है मिक्स करने के, लेकिन वही बात है ना, फिर हर चीज़ दिखाने की नहीं होती, ना हर चीज़ बताने की होती है। ठीक है, जो हम करते हैं वो तो सामने आ जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ का शो ऑफ हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, ना ही हमारी ये आदत है। थोड़ा सा नमक और डाल दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा और हमने जो बेसन ऐड किया था। अब इस घोल को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अगर आपके पास 5 मिनट है तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट तो आप एटलीस्ट छोड़ ही सकते हो। और अभी इसको हम देसी घी में तलेंगे, और ये देखिए जब तक हमारा जो है घी भी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा ना ता जाएगा इसमें, और फिर इसमें तवा भी तब तक जो है वो गर्म हो जाएगा। और बस अभी सुनो देख चेक कर रही थी मैं कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ, गर्म हो गया था, थोड़ा सा इसमें जो है वो हम घी ऐड कर देंगे ताकि ये चिपके ना। हल्का सा घी ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया है मैंने, देसी घी है ये। और इसको हम फैला देंगे उस बैटर को, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको ना तेज़ आंच पर कभी ना पकाएं। जब तेज़ आंच पर आप पकाते हो ना तो ऊपर से सिक जाता है, नीचे से सिक जाता है, लेकिन बीच का जो पोर्शन है वो रह जाता है। तो मीडियम आँच हो, और अच्छा दबा दबा के करारा करारा बना कर खा कर देखिए, कभी कभी वो उसका ना टेस्ट ही अलग होता है। और जितना भी ना मीडियम आंच पर आप पकाएंगे ना, और मतलब दबा दबा कर जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसमें करारापन जो है वो अलग से आ जाता है, और वरुण को तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। ये देखो अब इसको ना पिज़्ज़ा पराठा की तरह जो है वो मैं काट दूँगी वरुण के लिए, और इससे ना बच्चे बड़ा खुश होकर खाते हैं कि पिज़्ज़ा पराठा जो है वो बन गया, पिज़्ज़ा चीला बन गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और फिर ये देखिए कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, तो अभी आप सोचोगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ, सबको अंदाज़ा देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो वरुण की चल रही है मस्ती, और मैं अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही, शाम को मैं आई थी, मेरे ख्याल से 7:30 बजे के आसपास घर आई थी मैं। तो मम्मी यही कह रही थी कि क्या मेरे को भी थोड़ा सा मम्मी है कैमरा शाही, तो मैं कहा ऊपर बैठ जाओ तो अगर आपको इधर नहीं आना तो। तो फिर नवीन बोला कि मैं बैठता हूँ नीचे, और जो नवीन मलिक को जानते हैं तो वो देख लो, ये है नवीन मलिक मेरा बड़ा भाई। मेरे पास राखी के टाइम पे कमेंट भी आए थे कि नवीन मलिक को दिखाओ, नवीन मलिक को दिखाओ, और ये नंगू पंगू उधर घूम रहा है। इन दोनों जो है भाई बहुत ही ज़्यादा जो है वो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, ऐसे भाई जो है वो लस्सी बना रहा था, दूध की कच्ची लस्सी बनती है ना मीठे वाली, वो बना रहा था यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद, सालों बाद आई हूँ ये कह सकते हैं, कि मेरा ऐसा तो है नहीं रेगुलर, मैं कभी 5-6 महीने में या 3-4 महीने में कभी मेरा चक्कर लग जाए। आप लोग भी ये देखते हो कि ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मैं हिमांक हुआ पैदा हुआ था ना तब आई थी मैं हिमांक को दिखाने, फिर उसके बाद 2 साल बाद आई थी मैं, मतलब 2-4 दिन के लिए ही आई थी मैं, मतलब कुछ काम था इसीलिए आई थी मैं। और अब यहाँ पर जो है हिमांग को मैंने फिर पजामी पहना दी, आज ही आई हूँ, आज भी सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई हूँ, यानी थर्सडे रात को आई थी मैं 8 बजे, 7:30-8 बजे के आसपास, और मैं संडे को मैं चली जाऊँगी, 2 दिन के लिए ही आई हूँ इसीलिए। और हम यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा होता है ना कि सारा परिवार बैठकर इकट्ठा होता है बातें करते हैं, तो वो चीज़ ही जो है वो एकदम अलग होती है। और यहाँ पर दोनों भाई, ये ना हिमांग मान नहीं रहा, किसी की भी बातें नहीं मान रहा था,
तो मैं नवीन को बोल रही थी कि इनको ना गुस्सा कर दे, ये मान नहीं रहा है क्योंकि चोट खा लेगा। और मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं नवीन के काम की, अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते ना वो, और बस इनकी क्या आदत है ये लोग ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं, और हमारे घर में छोटा बच्चा है तो मैं हर चीज़ को ना संभाल कर इतनी अंदर रखती हूँ कि दिमाग का हाथ ना जाए। और फिर मैं नवीन को यही बोल रही थी इनको गुस्सा कर दे अदरवाइज़ ये फाड़ देंगे, तेरा कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो बस ऐसे ही बैठकर हम लोग बातें कर रहे थे कुछ में। अच्छा कल से ना कुछ एक प्रॉब्लम और चली हुई है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज है फ्राइडे मॉर्निंग और ये देखो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ किसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है बताना ज़रूर। ये 3 तारीख की मॉर्निंग है और फ़ोन में दिखा रहा है 2 तारीख की मॉर्निंग, 8:49 का टाइम दिखा रहा है रात का, लेकिन ये टाइम है सुबह का। अभी मैं आपको ना एक प्रूफ दिखाती हूँ, मैं आपको ना व्हाट्सएप का एक मैसेज दिखाती हूँ। मतलब हर किसी को फ़ोन करके पूछो ना क्या तुम्हारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्या, तो हर कोई यही बता रहा है कि हाँ हाँ यही प्रॉब्लम है। तो ये देखो ये हेलो का मैसेज देखो और तारीख देखो, 3 तारीख हेलो का मैसेज मॉर्निंग का सुबह, मतलब ये देखो 3 तारीख है लेकिन मैसेज 8:49 का रात का दिखा रहा है, और तारीख मतलब जो है ऊपर देखो 8:50 दिखा रहा है और 2 तारीख दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है भाई, समझ नहीं आ रहा। और अभी ये देखो इमान की मस्ती देखो, मॉर्निंग में किसी की बातें नहीं सुन रहा, किसी की बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। और इसको ये पता चला नहीं कि कैमरा होना, ये देखो मतलब ये तो मतलब इतना शरारती हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है वरुण की क्लास चल रही है तो, और फिर मैं हिमांक को देखने के लिए बीच बीच में बाहर जा रही थी कि हिमांक का ये देखो बाइक के ऊपर बैठ गया, इसका यही काम है, उनको दूध वूध इन्होंने पी लिया है और अभी कर रहा है मस्ती क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी ये लोग भी बहुत टाइम के बाद आए हैं इस तरह रुकने के लिए। और मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ और मुझे ना कमेंट करके बताना कि मैं आपको हाउस टूर दिखाऊं कि ना दिखाऊं यहाँ का, कि हाउस टूर किस किस को चाहिए तो बताना। बारिश आई थी रात को, ये देखो बारिश आई थी, इस तरह का मौसम है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही होता है ना कि बहुत ऐसे सालों बाद इस तरह घर जाना तो कितनी सबको किस खुशी किसको नहीं होती भाई, अच्छा लगता है सबको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो ये मस्तीखोर किसी की बात नहीं सुन रहा, मानता भी नहीं है। और मेरे बच्चे जब से आए ना आते ही इस मॉर्निंग में उठते ही मम्मी घर कब जाना है, मम्मी घर कब जाना है, इनका मन नहीं लगता बिल्कुल भी यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं, और ये देखो ये मान नहीं रहा बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसकी मस्ती ऐसे ही चालू है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा किसी की भी बातें।